राफेल मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना करने के विरोध में जिला भाजपा सुंदरनगर के पदाधिकारियों ने लोक निर्माण विश्राम गृह चौक सुंदरनगर पर एकत्रित होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस तरह के कृत्य की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए राहुल गांधी का पुतला जलाया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। भाजपा संगठनात्मक जिला महामंत्री दिलीप कुमार की अगुवाई में एसडीएम सुंदरनगर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। इस अवसर पर एचपीएमसी के डायरेक्टर नरेश चंदेल, डॉक्टर हेमराज, मंडल महामंत्री जितेंद्र शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष पूनम, महिला मोर्चा पूर्व अध्यक्ष निर्मला गार्ड सहित भाजपा के विभिन्न संगठनों के मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये तय किया था 19 तारीख को जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री राहुल गांधी जी ने जो हाल ही में चुनावों के दौरान उससे पहले जो एक भ्रामक प्रचार इस देश में किया राफेल के मुद्दे को लेकर, जबकि वो मामला उच्चतम न्यायालय में था, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आने के बाद भी उन्होंने इस पर जो है वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि 19 तारीख को जिला मुख्यालय पर जो है उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हो। आज जिला मंडी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी का और युवा मोर्चा के सहयोग से राहुल गांधी जी का और कांग्रेस के जो उन्होंने जो राफेल के मुद्दे को लेकर जो जनता को गुमराह करने की कोशिश की है उसके खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ दिया है, तला जलाया गया और एक ज्ञापन उसमें जो कांग्रेस का और राहुल गांधी का पुतला जलाया गया और एक ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जिला भाजपा की तरफ से आज यहां से दिया गया है, जिससे ये मांग की गई है कि इन पर जो है जो झूठा प्रचार कर रहे हैं उन पर जो है वो कार्रवाई की जाए।